नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप का सेमीफाइनल लगभग पक्का हो चुका और भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। हो सकता है कि कुछ लोग परेशान हो, क्योंकि विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम भारत पर भारी पड़ती है। 2019 की हार हमें अभी भी याद है, किस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमारे सपनों को तोड़ा था। धोनी का वो रनआउट हमें अभी भी याद है, किस तरीके से धोनी के उस रनआउट ने टीम इंडिया के करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू दिलवा दिए थे। लेकिन इस बार भारत से जो मुकाबला है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड परेशान है, न्यूजीलैंड एक खौफ में है। अब ये परेशानी न्यूजीलैंड की क्या है? आखिर न्यूजीलैंड का जब पलड़ा भारी है विश्व कप में भारत के ऊपर, उसके बावजूद इस मुकाबले को लेकर न्यूजीलैंड के अंदर क्या टेंशन है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल आप लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इस टेंशन की बात को जानने से पहले आप एक चीज समझिएगा कि अभी तक जितने भी मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम भारत को हराती आई है, वो मोस्टली जो समान मुकाबले हैं, वो भारत से बाहर हैं। भारत में न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है, वो उतना बेहतर नहीं है। भारत में न्यूजीलैंड हमारे ऊपर हावी नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा, तो आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम का भारत में प्रदर्शन रहा है। सबसे पहला जो आंकड़ा है वो ये है, 117 मैच अभी तक खेले हैं भारत ने न्यूजीलैंड ने वनडे क्रिकेट में। उसके बाद 59 मुकाबले भारत जीती है और 50 मुकाबले जीती है न्यूजीलैंड। तो अगर ओवरऑल देखा जाए भारत का और न्यूजीलैंड के आंकड़े, तो भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर वनडे मुकाबलों में हावी है, मतलब आगे है भारतीय टीम। उसके बाद में जो दूसरा आंकड़ा देखें, पिछले कुछ मैचों का आंकड़ा देखें, तो भारत में भारत के खिलाफ अब तक जो है न्यूजीलैंड ने 39 मुकाबले खेले। भारत में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने अभी तक 39 मुकाबले खेले, 39। उसमें से इसमें स्किल पर न्यूजीलैंड को 8 मुकाबलों में जीत मिली है। मतलब अभी तक भारत में न्यूजीलैंड ने 39 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन 39 वनडे मुकाबलों में से न्यूजीलैंड को केवल 8 में जीत मिली है, जबकि 30 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो जाहिर तौर पर जो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े न्यूजीलैंड को डरा रहे हैं कि भाई साहब ये जो कीवी है ना, ये विदेशी पिच पर हमें हरा लेते हैं, विदेशी पिच पर ही हम पर हावी होते हैं, लेकिन जब बात हमारे घर की होती है, जब मैच हमारे घर में होता है, तो इन कीवियों के पंख काट दिए जाते हैं। ये बात साफ और प्रदर्शन जो है, जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। अगर ओवरऑल बात कर लीजिए, वहां पर भारत हावी है। भारत में मुकाबलों की बात कर लीजिए, यहां पर तो भारत बहुत ज्यादा हावी है, केवल 8 मुकाबले अभी तक न्यूजीलैंड को जीतने को मिले हैं। तो जाहिर तौर पर कुल मिलाकर जो बात है वो ये है। और अगर हम जनवरी 2022 के बाद के आंकड़े देखें, तो बहुत हैरानी वाले बात है, क्योंकि साल 2000 के बाद से अभी तक भारत ने और न्यूजीलैंड ने कुल मिलाकर 20 मुकाबले खेले हैं। 2000 से मतलब जनवरी 2000 के बाद से अभी तक भारत ने और न्यूजीलैंड ने कुल मिलाकर 20 मुकाबले खेले हैं। इनमें से न्यूजीलैंड केवल 4 मुकाबले जीता है। सोचिएगा, 20 मुकाबलों में से न्यूजीलैंड केवल 4 मुकाबले जीता है और भारत ने 15 मुकाबले जीते हैं। तो भाई साहब न्यूजीलैंड वालों, अपनी खैर मना लो, क्योंकि अब भारतीय टीम जो है जिस खतरनाक फॉर्म में है, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, ये टीम आपको जीतने नहीं देगी। रोहित शर्मा की टीम जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, और लीग मुकाबलों में भी जिस अंदाज में हमने न्यूजीलैंड को हराया है, भाई साहब हमारी जो ताकत है ना, वो न्यूजीलैंड के ऊपर आफत बनने वाली है। तो ये आंकड़े हमारे पक्ष में है। भारत में कीवी उड़ नहीं पाते हैं, भारत में उनके पंख कतर दिए जाते हैं। तो ये टीम इंडिया की ताकत है, इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम खौफ में है, इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम इस सेमीफाइनल से पहले डरी हुई है, क्योंकि जिस न्यूजीलैंड ने 2019 में हमें बाहर किया हराकर, आज उसी न्यूजीलैंड को भारत हराकर बाहर करेगी। ये बदला लेने का टाइम है। हमारा सपना तोड़ा था न्यूजीलैंड ने 2019 में, आज न्यूजीलैंड का सपना हम तोड़ने वाले हैं। तो आप लोगों का टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया का पलड़ा भारी है? कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को इस बार बदला लेगी और बाहर करेगी हराकर, यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए यार, ताकि ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और कमेंट करके बताइएगा आपका टीम इंडिया की इस मैच पर क्या कहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार इस तरीके के फैक्चुअली मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।